अगर आपको जिम जाते जाते काफ़ी टाइम हो गया है पर आपकी बॉडी का साइज़ नहीं बढ़ रहा, तो आप कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की, जिसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर आज भी फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने उन टिप्स को समझ लिया तो आपकी बॉडी का साइज़ भी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। अगर आप जिम शुरू करने की सोच रहे हैं तो भी इन टिप्स को ध्यान में रखें ताकि आप अपनी बॉडी का साइज़ तेज़ी से बढ़ा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट टिप्स की जिससे आपके बॉडी का साइज़ तेज़ी से और जल्दी बढ़ सके। टिप्स नंबर 1, वार्म अप ज़रूर करें। एक्सरसाइज करने से पहले आप वार्म अप ज़रूर करें। वार्म अप करने से आपके जॉइंट्स खुल जाते हैं जिससे आपको इंजरी नहीं होती, और वार्म अप करने से वर्कआउट भी अच्छा होता है, मसल्स अच्छी पंप होती हैं जिससे मसल्स का साइज़ तेज़ी से बढ़ता है। टिप नंबर 2, कंपाउंड एक्सरसाइज कभी मिस ना करें। अगर आप अपनी मसल्स का साइज़ तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं तो कंपाउंड एक्सरसाइज कभी भी मिस ना करें। कंपाउंड एक्सरसाइज में बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, शोल्डर प्रेस और पुल अप आती हैं। ये सारी एक्सरसाइज बहुत सारे मसल्स को एक साथ ट्रेन करती है, जिस वजह से पूरी बॉडी शेप में आनी शुरू होकर एक मस्कुलर बॉडी बननी शुरू हो जाती है। ये सारी एक्सरसाइज टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट करती है, जिस वजह से भी मसल्स तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इन एक्सरसाइज में से एक एक्सरसाइज डेली ज़रूर करें। टिप नंबर 3, बड़े मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करें। अगर आप तेज़ी से मसल गेन करना चाहते हैं तो आप अपने बड़े मसल्स ग्रुप को ज़रूर ट्रेन करें। बड़े मसल्स मतलब चेस्ट, बैक और लेग्स को हफ्ते में एक या दो बार ज़रूर ट्रेन करें। टिप नंबर 4, 45 से 60 मिनट में वर्कआउट कंप्लीट करें। मसल गेन करने के लिए आप अपना वर्कआउट एक घंटे के अंदर ख़त्म कर लें। अगर आप मसल गेन कर रहे हैं तो हर सेट में 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट ही लें। एक घंटे में 5 से 6 एक्सरसाइज ही करें। टिप नंबर 5, हैवी वेट का इस्तेमाल करें। मसल का साइज़ बढ़ाने के लिए हैवी वेट ही लिफ्ट करें। मसल का साइज़ बढ़ाने के लिए हैवी वेट से कम रैप निकालें, मतलब आप इतना वेट लें जिससे आप पूरी ताकत से 7 से 10 रैप ही निकाल पाएं। हर एक्सरसाइज के 3 या 4 सेट ही लगाएं, मतलब हैवी वेट लेने हैं, रैप कम लगाना है। टिप नंबर 6, हर हफ्ते वेट बढ़ाएं। अगर आप मसल्स गेनिंग के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप हर 15 दिन बाद वेट ज़रूर बढ़ाएं। सेट वही 3 से 4 रखने हैं, रैप 7 से 10, मतलब वेट ही बढ़ाएं, रैप और सेट सेम रखें। टिप नंबर 7, 10-12 हफ्ते में वर्कआउट चेंज करें। तेज़ी से मसल का साइज़ बढ़ाने के लिए हर 10 से 12 हफ्ते के बाद अपना वर्कआउट ज़रूर चेंज करें। हमारी बॉडी को उस वर्कआउट की आदत हो जाती है, जिस वजह से मसल का साइज़ बढ़ना रुक जाता है। इसलिए हर 10 से 12 हफ्तों में अपना वर्कआउट रूटीन ज़रूर चेंज करें। टिप नंबर 8, स्ट्रेचिंग एंड पॉजिंग। वर्कआउट के बीच बीच में थोड़ी स्ट्रेचिंग और पोजिंग ज़रूर करते रहें। जैसे बॉडी बिल्डर पोज देते हैं वैसे ही पोज दें, और वर्कआउट के फिनिश होने के बाद भी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और पोजिंग ज़रूर करें। बीच में पोजिंग करने से मसल्स अच्छी पंप होती है, मसल एंड माइंड कनेक्शन भी अच्छा बनता है, और वर्कआउट करने में भी बहुत मज़ा आता है। और हाँ, दिन में जब भी आप फ्री हों तो शीशे के सामने खड़े होकर 1-2 बार पोज की प्रैक्टिस ज़रूर करें। टिप नंबर 9, 7 से 8 घंटे सोएं। मसल्स तभी बड़े बनते हैं जब आप सोते हैं, तो रात को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ज़रूर लें। टिप नंबर 10, डाइट। मसल का साइज़ बढ़ाने के लिए आप दिन में 5 से 6 मील ज़रूर लें। आपके मसल्स को हर 2 से 3 घंटे में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हर 2-3 घंटे में हेल्दी फूड खाते रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आप मसल्स का साइज़ तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, आपको 3 महीने में फ़र्क ज़रूर दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो मसल गेन टिप्स पर। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।